हेलो फ्रेंड, मैं हूं पूजा और आप सभी देख रहे हैं प्रेसवासी कर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट होने का कारण क्या होता है। ये आपको पता ही होगा, आपका जंक फूड खाना या सनस्क्रीन यूज़ ना करना, धूप में ज़्यादा देर रहना या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल यूज़ करना भी एक डार्क स्पॉट का कारण होता है। लेकिन डार्क स्पॉट हमारी स्किन में से किस वजह से होते हैं, आज हम बात करेंगे इस बारे में। और काफ़ी लोगों ने ये भी कहा था पिछले कुछ टाइम से, आप इसी तरीके के प्रोडक्ट क्यों बताते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, आजकल प्रोडक्ट इतने होते हैं ना, चाहे आप मेडिकल लाइन में जाओ चाहे कॉस्मेटिक लाइन में जाओ, आप हर एक दिन अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने का काम करती हूँ, कौन सा प्रोडक्ट किस तरह से काम करेगा, कौन सा सही है और कौन सा नहीं। जिसको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद है वो मेरी वीडियोस देख सकते हैं, जिनको नहीं पसंद, इंटरेस्ट नहीं है, वो ना देखें। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जब हमारी स्किन में मेलानिन होता है वो बहुत ही कम होता है, तो हमारी स्किन का कलर लाइट होता है। अगर मेलानिन बढ़ जाता है हमारी स्किन में तो उतना ही डार्क स्किन का कलर होता है। यानी कि हमारी स्किन का कलर सिर्फ मेलानिन के ऊपर ही डिपेंड करता है। जहां हम एक तरफ ये मानते हैं कि मेलानिन बहुत बड़ा कारण होता है हमारी स्किन के कलर को डिसाइड करने का, ज़्यादा मेलानिन है तो हमारे कलर को डार्क करने का, लेकिन वहीं यही ज़्यादा मेलानिन हमें स्किन कैंसर तक से बचाता है। मेलानिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी वीडियोस में ये भी दिखाया जाता है कि मेलानिन को कैसे ख़त्म करें, लेकिन मेलानिन को ख़त्म करने का मतलब होता है अपनी स्किन, अपनी हेल्थ को बहुत सारी बीमारियाँ खुद ब खुद देना। इसीलिए मेलानिन आपकी स्किन में है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, आपका कलर जो भी है, डार्क है लाइट है, ये आपकी स्किन के मेलानिन पर निर्भर करता है। कलर डार्क हो या लाइट हो, दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। बस ये होना चाहिए कि आपकी स्किन से डार्क स्पॉट हम रिमूव कर सकते हैं कुछ एक प्रोडक्टों को यूज़ करने के बाद में, लेकिन उसकी भी एक टाइम लिमिट होती है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी स्किन पर रिएक्ट कर जाते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट आप उसे सही तरीके से यूज़ करें तो आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी बात, मैं आपको इसीलिए प्रोडक्टों की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ ताकि आप कोई भी गलत प्रोडक्ट यूज़ ना करें। गलत प्रोडक्ट से क्या होता है, एक तो आपकी स्किन में से मेलानिन का स्तर बिगड़ जाता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर आपकी स्किन में मेलानिन का स्तर बिगड़ता है, ज़्यादा होता है, तो आपको मेलास्मा की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर काफ़ी हद तक कहीं कहीं से कम हो जाता है तो आपको वाइट स्पॉट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम्स में आपकी स्किन ख़राब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसे प्रोडक्ट की जानकारी आपको दूंगी, क्योंकि मेलास्मा को, डार्क स्पॉट को रिमूव करने के लिए या तो स्टेरॉइड क्रीम काफ़ी जल्दी वर्क करती हैं या हाइड्रोक्विनोन क्रीम काफ़ी जल्दी वर्क करती हैं। तो आज जो मैं प्रोडक्ट के साथ बात आप सबके साथ कर रही हूँ वो है मेलालुमिन अल्ट्रा स्किन लाइटनिंग क्रीम। तो ये पिगमेंटेशन को रिमूव करने का काम करती है। 20 ग्राम की पैकेजिंग आपको 340 में इजीली मेडिकल स्टोर पर भी मिल जाएगी, इसके अलावा ऑनलाइन भी ये मिल जाएगी। ये स्टेरॉइड फ्री है, हाइड्रोक्विनोन फ्री है, किसी भी तरह केमिकल का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें कोजिक एसिड है, अर्बुटीन है, इसके अलावा इसमें अल्फा मेलाइट है, यूवी प्रोटेक्शन ये आपको देती है, ग्लाइकोलिक एसिड है। जब भी आप ऐसी क्रीम्स यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सन प्रोटेक्शन यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये क्रीम आपको यूवी प्रोटेक्शन देती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर किसी भी तरह का हार्म ना पहुंचे, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ना हो। तो इस प्रोडक्ट को लेने करके आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ आपको करना है, किस स्किन प्रॉब्लम में करना है। अगर आप गोरे होने के लिए करना चाहते हैं तो मत करें। अगर आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट हैं, झाइयाँ हैं, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ रात को आपको इसको यूज़ करना है, अपने चेहरे को अच्छे से किसी भी माइल्ड फेस वॉश से वॉश करने के बाद में इस क्रीम की थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है। अब आप ये सोचेंगे ज़्यादा अगर यूज़ कर रहे हैं तो जल्दी असर करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी, वो रिएक्ट कर सकती है। सिर्फ आपको मेडिकेटेड क्रीमों को एक मटर के दाने जितना लेना है
और अपने पूरे फेस पर अच्छे से लगा लेना है। बहुत ज़्यादा रब नहीं करना, हल्के हाथ से मसाज करते हुए लगा करके ऐसे ही छोड़ देना है। मॉर्निंग में आप अपने फेस को वॉश करके अपना कोई भी मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें। वैसे ही आपको यूवी प्रोटेक्शन देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है आप सनस्क्रीन ना यूज़ करें। तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आप इसको 2 महीने लगातार यूज़ करें ओनली नाइट में ही, फिर 2 महीने बाद में आप इसको 1 मंथ में ओनली 4 टाइम यूज़ करें, जैसे कि हर एक वीक में एक एक दिन आपको यूज़ करना है। इस तरीके से ये जो क्रीम है इसका बैलेंस रहेगा आपकी स्किन पर, आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं, मेलास्मा जो झाइयाँ हैं आपकी स्किन पर वो भी कम होंगी, और ऐसा भी नहीं है आप इसको छोड़ देंगे तो दोबारा से आ जाए, आप इसको कम कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।